नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट डेवलपमेंट की, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा जेल बायोफिलर। पहले हमने एक डिस्कशन किया था जिसमें हमने फेशियल फिलर्स के बारे में बात की थी, जिसमें हम लोग हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स को यूज़ करते हैं चेहरे के कुछ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए। एक नई टेक्निक से हम हमारे ही ब्लड से बायोफिलर्स बना के और चेहरे में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे चेहरे को बेहतर बनाने के लिए। इसको हम कहते हैं प्लाज्मा जेल फिलर्स या बायोफिलर। इसमें हम हमारे ही ब्लड को ड्रॉ करके निकाल के 10-20 ml ब्लड निकालते हैं, उसको स्पिन करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में और उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करके उस प्लाज्मा से एक मेथड के द्वारा प्लाज्मा जेल क्रिएट करते हैं। ये जो जेल होता है ये एक तरह का फिलर होता है जिसको हम चेहरे के अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। ये वॉल्यूम एडिशन भी करता है, ये जो रिंकल लाइंस होती हैं उनको भी करेक्ट कर सकता है, जैसे फोरहेड रिंकल्स हैं उनको करेक्ट कर सकता है, जो प्रोमिनेंट नेजोलेबल फोल्ड्स हैं उनको करेक्ट कर सकता है, कुछ फ्राउन लाइंस के नीचे भी हम इसको डाल के इसके इस्तेमाल से इसको यूज़ किया जा सकता है और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। जो फिलर्स होते हैं, जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, उनके साथ जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो बायोफिलर्स के साथ नहीं होती। द ओनली इशू इज इनके साथ हमारे पास बहुत लंबे समय का डेटा नहीं है, ये एक रीसेंट डेवलपमेंट है और अभी इसकी प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस बाद में कर पाएंगे। अभी मेरे को ये लगा कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूँ कि बायोफिलर्स अवेलेबल हैं, हम लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं प्लाज्मा जेल फिलर्स को फेशियल रिजुविनेशन के लिए। उसको बनाने का तरीका ये है कि हम उसको परचेज नहीं करना होता, हमको उसको खरीदना नहीं होता, हम हमारे ही ब्लड से उसको बनाते हैं और हमने ही उसको इंजेक्ट कर देते हैं। प्लाज्मा जेल फिलर्स जीरो साइड इफेक्ट्स तो नहीं कह सकते, लेकिन बाकी जो फिलर्स होते हैं उनसे उनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं। तो प्लाज्मा जेल फिलर्स आर हियर टू स्टे। मैं लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के बारे में फिर एक वीडियो बनाऊंगा आज से 6 महीने के बाद, जिसमें हमको ये समझ में आएगा कि इसका वॉल्यूम जो है या इसके जो एडवांटेजेस हैं ये कितने समय तक रहते हैं। अभी जो क्लेम्स हैं वो कहते हैं कि 9 महीने से लेके 1 साल तक इसके रिजल्ट्स टिकते हैं। हम इसको टॉपअप करा सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम इसकी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं। फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।